को ग्रहण करने के लिए एक योजन का मुख खोला। कपितन हीन दुगुन विस्तार, अभी बहुत समझा, अभी क्या करें। हनुमान जी ने सोचा चलो उनके साथ थोड़ा कुश्ती हो जाए। हनुमान जी दो गुने हो गए, कपितन कीमत दुगुन, दो गुना विस्तार कर दिया अपना। तो सुरसा ने 16 योजन मुकत ही थे, 16 योजन तुरंत पवन सीता 32 भय हो। हनुमान जी 12 दिन दो गुना शुरू किया, 32 योजन के हनुमान जी हो गए। मगर हनुमान जी सोचने लगे कि मुझे जाना है भगवती की शोध में, और ऐसे टाइम पास करते रहेंगे तो काम नहीं आएगा। सुरसा ने 100 योजन तक अपना मुंह खोला। शत योजन ते ही आनन की ना, अति लघु रूप पवन सुत ली। एकदम सूक्ष्म रूप लिया, इसके मुख में चल के वापस आ गए, बदन पैठी पुनी बाहर आवा, इसके अंदर घुस के बाहर आ गए। फिर कहा मागा विदा ताही सिरुनावा, हे सुरसा मैं आपका ग्रास बन गया, आपके मुंह में जाकर वापस आया। हनुमान जी महाराज बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे, शुरुआत में सुंदर कांड अर्थात जीवन को सुंदर करने का आयाम और सुंदर बनाने के लिए पद प्रतिष्ठा तुरंत आ जाएगी। अच्छा काम के लिए आप निकलोगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, मगर वहां रुकना नहीं है। वहां रुके तो आपका गोल वहां रह जाएगा, आप पद और प्रतिष्ठा में नाम सम्मान में से ऊपर नहीं आएंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा उसको प्रणाम करके आगे निकलो। फिर यहां आई अहिन के माता, नागिनों की माता, सर्पिनियों की माता। समाज में कई लोग ऐसा विषवान जीवन जी रहे जिसका काम है समाज में विष घोलना। ऐसा जरूर नहीं है कि बोतल में से विष निकल सकता है, जबान में से भी विष निकल सकता है। तो ये सब जो विष वाले लोग हैं उनके भी अधिष्ठाता होते, बॉस होते हैं, चोरों के भी राजा होते हैं ना। रुद्र में तो वहां तक लिखा है कि तस्कराणाम पतये नमः, भगवान शंकर चोर भी शंकर है, चोर भी अधिष्ठाता भी शंकर है भगवान। रुद्र भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां ये जो पाप फैलाने वाला, या तो समाज में कुरिवाज फैलाने वाले, या तो समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग थे, उनकी अधिष्ठात्री थी ये महिला, वो सामने आ गई, यानी कि खराब व्यक्ति। और खराब व्यक्ति से हनुमान जी ने पंगा लिया, और हनुमान जी ने सोचा कि इसके पास तो कोई काम नहीं है, मेरे पास तो बहुत काम है। उसका ग्रास भी नहीं मन बने, उसको शरणागत भी नहीं हुए, मगर उनसे पंगा लेना कैंसिल कर दिया, उनसे माफी मांगी कि तू मेरी माँ, तू मुझसे बड़ी, जो यदि मामला निपट जाता है तो उसको बड़ा बना दो, क्या फर्क पड़ता है। हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका ग्रास बन चुका हूं। मागा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि स्वर्ण जहि लागी पटावा। फिर सुरसा बोली कि हनुमान जी आप चाहिए, मुझे तो देवताओं ने भेजा था, बुद्धि बल मरम तोर में जानना, आपकी बुद्धि आपका बल दोनों का मुझे मरम जानना था, इसलिए मैं आई थी। और सुरसा कहती है कि आप चाहिए सब राम काज करिए, और आशीर्वाद देके वो सुरसा निकल गई। कितना भी खराब विचार लेके कोई क्यों ना आता है, मगर आप उसको सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ, उसको थोड़ा बड़ा बना दो, तो वही हमारी हेल्प कर देता है, हमारे गोल में, हमारे कार्य में। यहां सुरसा ने कहा राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान,
निशिचरी एक सिंधु महरई करी माया नभ के कद गई जीव जन तुझे गगन उड़ाही चल मिलो कि दिन के परिचाई गाई चाह सक सो न उड़ाई एही विधि सदा गगन चल सोई चल हनुमान कह किन्हा तासु कपटु कपि तुर तहि चिन्हा ताहि मारि मारुत सुत बीरा पारि ति पार गए उमति धीर तहां जाई देखी बन शोभा गुंजत चंच एक मद लोभा नाना तरु बल फूल सुहावे कग मृग बंद देखि मन भाए शैल विशाल देखि अख आगे कापर दागी चढ़े उभय त्याग उमान कछु कपि के अधिकाय प्रभु प्रताप जो का लई खाई गिर पर चढ़ लंका तेहि देखि कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी अति उदंग जल निधि चहु पास कनक कोट कर परम प्रकाश मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल जपत निरंतर शंभु। सुरसा ने कहा कि जाओ हनुमान जी महाराज सभी राम काज करो। राम काज सभी करी हम तुम बलवान भी हो और बुद्धिमान बुद्धि निधान तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो आशीष आशीर्वाद देके वो सुरसा चली गई और हनुमान जी महाराज ने यात्रा। निश्चर एक सिंधु महरही करी माया नभ के कबल। अब जो आई वो माया थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनके परिचय। जल बिलोक तिनके परिचय, जल के अंदर उसकी परछाई पड़ती तो परछाई को पकड़ लेती है तो वो प्राणी जो उड़ता हुआ पक्षी है वो उसके मुंह में ग्रास बन जाता है। ऐसी गूढ़ विद्या वाली ये महिला आई। गई छासक सो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चल खाई। हनुमान जी महाराज जगत में आ गए कि मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं। सोई चल हनुमान कह कीना तासु कपट कपि तुरत ही चिन्ह। हनुमान जी महाराज के सामने भी वही कपट किया उसकी परछाई पकड़ी। हनुमान जी महाराज परेशान। अभी हनुमान जी महाराज ने सोचा कि ये तो हिडन है, ये तत्व है सामने नहीं आता है, परछाई को पकड़ता है। तो हमारी परछाई कौन पकड़ के रखा क्या पता चले। दैट्स कॉल्ड ब्लैक मैजिक। हनुमान जी ने सोचा कि उसके कब्जे में नहीं आना है और उससे बात भी नहीं करना है, उससे वार्तालाप भी नहीं करना है। ताही मारी मारुत सुत बीरा नीचे आए एक ही मुष्टिका में उसको मार दिया। भारती पार गये मति धीरा। हनुमान जी का एक और नाम आया मति धीरा। मतिवान है, बुद्धिवान है मगर धीर मति है। कभी भी हनुमान जी महाराज उतावले नहीं होते, मति धीर। ऐसे हनुमान जी महाराज ने उस राक्षसी को मारकर समुद्र को पार करके एक चोटी के ऊपर आकर लैंडिंग कर दिया। तहां जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधु लोभा। अनेक प्रकार की वन की शोभा देखी, मधु गुंजर कर रहे थे, गुंजारव कर रहे थे, प्रमर गुंजन कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृत बंद देखी मन पा। अनेक प्रकार के फूल बगीचे औषध हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। शैल विशाल देखिए आगे तापर धाई चढ़े भय त्याग। भय का त्याग करके एक छोटे से पर्वत के ऊपर कूद के चढ़ गए। और यहां भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रभु राम का काज करते हैं, राम का सुमिरन करते हैं, उनके लिए असंभव क्या है। उमा ये तो भगवान हनुमान जी है जो राम के काज के लिए निकले हैं। उमान कछु कपि के अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई।
कान उसका क्या कर सकता है, क्योंकि वो निकला था राम काज के लिए। और जिसके हृदय में रघुनाथ का स्थापन हो, कितना भी हृदय रोग क्यों ना हो जाए, वहां से चक्कर मार के उसको भाग जाना पड़ता। उमा नकच प्रभु के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, प्रभु के प्रताप से काल भी उनसे पीछा छुड़ा के भाग जाता है। गिरी पर चढ़ी लंका नहीं देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेष। उस छोटे से पर्वत के ऊपर चढ़ के, गिरी के ऊपर चढ़ के हनुमान जी महाराज ने अवलोकन किया, अत्यंत बड़ा ऐसा दुर्ग देखा गया, दुर्ग अर्थात किला, कहीं न जाए दुर्ग विशेष। और दुर्ग का बखान करना असंभव है, अति उतंग जल निज उपासा कनक कोट कर परम प्रकाश। अगल बगल में पानी है, समुद्र से घिरा हुआ है, कनक कोट, कनक अर्थात सुवर्ण का पूरा अभेद्य दुर्ग किला बना हुआ है, अत्यंत प्रकाशित मणियों से जड़ा हुआ है, दीपक जलाए हुए इनके कारण वो पूरा प्रकाशित हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहत हत सुबत बीति चारु पुर बहु विधि बना गज बाजी खचर निकर पद चर रथ बरुधनि ओगने बहुरूप निशिचर ज्योत अति बल सेन बरन नहीं बने बन भाग उप बन भातिका सर कूप पापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि कौ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना आकार न बिरही बहु विधि एक एक न तरजहि करि जतन बट कोटि न विकटत नगर चहु दिशि दचहि कहु महिष मानुष केनु कर अज खल निशाचर बचहि एही लागि तुलसीदास उनकी कथा कछु एक है सही रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे गई पुर रखवारे देखि बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसा मसक समान रूप कपि धरही लंकै चले सुमिर नर हरि नाम लंगिनी एक निशिचरी शोक चले सी मोहि निंदरी जाने नहीं मरम सत मोरा मोर आहार जहां लगी चोर मुथिका एक महाकपि हनि रुधिर मत धरनी तन मनि पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय ससंका जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा चलत विरंची कहा मोहि चिन्ह विकल हो सिते कपि के मारे तब जाने सुनिश चर संदा तात मोर अति पुण्य बहुता देखे उन्नयन राम कर दूता मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहार मंगल भवन अमंगल जपत निरंतर शंभु। हनुमान जी महाराज ने अद्भुत दुर्ग को देखा, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयत प्रार्थना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरुथनि को बने अनेक रथ अनेक खच्चर अनेक अश्व अनेक प्रकार के निश्चर
कि जूत अति बरसे नंबर मत नहीं बने, अनेक प्रकार की सेना वन बाग उपवन वाटिका, अनेक प्रकार के बाग वन उपवन और वाटिका, नरनाग सुंदर नरनार सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहन, अनेक प्रकार के गंधर्व नाग नाग कन्या आदि लंका की शोभा बढ़ाते, अनेक प्रकार के बड़े बड़े योद्धा गर्जना करके अपनी मल्ल शक्ति का परिचय करा रहे, अनेक प्रकार के योद्धा अनेक प्रकार के मनुष्य अनेक प्रकार के राक्षस प्राणियों का भक्षण कर रहे, निशाचर भक्षही महिष मानुष राक्षस मनुष्य का भक्षण कर रहे हैं, मगर उसकी गाथा क्या करे तुलसीदास का है, यही लाभ तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कर। उसकी कथा क्या करे रघुवीर सर तीरथ शरीर ने त्यागी गति पहली से।